गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू है वह अकॉर्डिंग टू साइन रखी जाती है। जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लस माइनस यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस के राइट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट नेगेटिव होता है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव। उसी तरह से सेम सिमिलर यहाँ पर भी, जैसे जो वाई एक्सिस है इसको मिरर हम मान लें, दिस इज द मिरर, तो बीच में पोल हो जाता है, तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, अपवर्ड की डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड की नेगेटिव। अब जहाँ पर जो डिस्टेंस जैसे लाई करेगी उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव रखा जाएगा, और जो डिस्टेंस पैरेलल होगी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पोल से ही मेजर किया जाएगा। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर, इमेज डिस्टेंस इधर, अगर इमेज इधर बना तो इमेज डिस्टेंस इधर, ऑब्जेक्ट की हाइट है तो इधर हो जाएगा, इमेज की हाइट नीचे बन रही है तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आप पॉजिटिव और निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। पहला है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, ठीक। दूसरा पॉइंट है द डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द पोल ऑलवेज निगेटिव, यहाँ पोल से इधर है तो निगेटिव। तो यू हमें ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा निगेटिव। तो अगला पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस राइट ऑफ द पोल ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्टेंस राइट पोल रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू ऑफ वी फॉर रियल इमेज इज निगेटिव, एंड वेयर एज द वैल्यू ऑफ वी फॉर वर्चुअल इमेज इज निगेटिव। जैसा कि जब इसमें इमेज जो रियल इमेज बनता है मिरर में लेफ्ट साइड बनता है, वर्चुअल जो बनता है मिरर के पीछे बनता है, तो इसलिए v की वैल्यू क्या होगी, v क्या है इमेज डिस्टेंस, v की वैल्यू जब लेफ्ट मतलब रियल इमेज रहेगा तो निगेटिव रहेगा, राइट में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज निगेटिव। आपको कॉनकेव मिरर ऐसे बनाया गया, इसका एफ इधर दिखाया गया तो लेफ्ट था तो उसका निगेटिव, कॉन्वेक्स ऐसे बनाया गया इसका एफ इधर था तो पॉजिटिव। तो ये अगले पॉइंट में लिखा गया है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव एंड फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। सेवन्थ पॉइंट है द ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव। द इमेज हाइट जब इरेक्ट बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, वर्चुअल सॉरी रियल बनता है तो नीचे, इन्वर्टेड बनता है तो उल्टा बनता है। तो वही लिखा गया एट नंबर पॉइंट में द इमेज हाइट फॉर इरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव एंड इन्वर्टेड इमेज इज निगेटिव। और लास्ट पॉइंट है द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज निगेटिव, जो आपको पिछले क्लास में बताया गया रियल लीनियर मैग्निफिकेशन नियम, जिसकी वैल्यू एच टू अपान एच वन या माइनस वी अपान यू। तो लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज निगेटिव एंड फॉर वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। तो जब आप इसको बढ़िया से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो मिरर पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें याद करने वाली चीज़ है कि यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, और वी की वैल्यू रियल इमेज के लिए निगेटिव होती है लेकिन वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक। और एफ क्या होता है, कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है, और एम क्या होता है, रियल इमेज के लिए निगेटिव होता है और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता है। तो इतना आपको बहुत बढ़िया से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, यू की वैल्यू चाहे मिरर जो भी रहे, यू हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। वी की वैल्यू जब इमेज रियल बनेगा तो निगेटिव रहेगा और वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव है। एफ की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। और एम की वैल्यू रियल इमेज के लिए निगेटिव रहेगा, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, ठीक। ओके ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए और नोट करके इसको याद करिए। इसको हम
नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ रहे हैं।